आज हम अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन डलवा रहे हैं। फर्क मेजर आता है माइलेज पर, और जो नॉर्मल खड्डे आते हैं ना उस। गाइस सीरियसली गाड़ी मुझे थोड़ी लाइट फील हो रही है चलाने में। ये बैक का कनेक्शन है, ये है कनेक्शन कैमरे का। बच गई, ये गिलहरी थी बेचारी, बहुत स्लो स्लो जा रही थी, रोड क्रॉस कर रही थी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी साइट पे। मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं एक्चुअली मैं करता क्या हूँ। मेरे एग्ज़ाम से चल ही रहे, मतलब पढ़ाई के साथ साथ मैं और क्या क्या करता हूँ। तो मैं आप लोगों को चलो वहीं पहुँच के बताऊँगा कि एक्चुअली मैं क्या करता हूँ। तो अभी अपन जा रहे हैं यहाँ से, गाड़ी अपनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, बट अपन अभी धुलवाएंगे नहीं क्योंकि अपन को वहाँ पर थोड़ा काम है, तो वो काम पहले करना है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटर्निंग में अपनी अपनी गाड़ी वॉश करवाएंगे और टायर प्रेशर अपन अभी आगे चल के वहाँ पर चेक करवाते हैं। बच गई, ये गिलहरी थी बेचारी, बहुत स्लो स्लो जा रही थी, रोड क्रॉस कर रही थी। मुझे लगा कार के बीच में आ जाएगी, बट कार के बीच में आई वो, लेकिन क्या हुआ कि दोनों टायरों के बीच में थी, तो उसको एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं। भैया हवा डालनी थी, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा तो चल जाएगा। नाइट्रोजन डाल रहे हैं क्या? पहले मुझे लगा टायर पंचर हो गए हैं क्या, पहले मैंने एक ही टायर देखा था। नहीं, मैंने पहले एक ही टायर देखा तो मुझे लगता हो सकता है पंचर, फिर मैंने दूसरा था, मैंने कहा नाइट्रोजन ही फिल हो रही होगी। पुरानी हो जाती नाइट्रोजन तो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती। हाँ, पूरा खाली करा के डलवाना पड़ता। हाँ, गर्मी के टाइम में नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब फिर भी वो फर्क मेजर आता है माइलेज पर, और जो नॉर्मल खड्डे आते हैं ना उस पर। हाँ, नॉर्मल खड्डों में भी गाड़ी अगर नॉर्मल हवा डलवाई है अपन ने तो उसमें पटकाती है गाड़ी, आवाज़ करती है। हाँ, नाइट्रोजन झेल जाती है। आज हम अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन डलवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन फ्री है। फ्री है ना भैया नाइट्रोजन भी? नहीं, टैक्स लगता है। कितना रुपये टैक्स लगता है भैया इसका? लगेगा 10 रुपये। सही बताओ, तो फ्री लिखा है यार उधर, तो मैं तो यही सोच के डलवा रहा था। अच्छा, इसमें से हवा निकालोगे? नहीं, निकल रहे जो। अच्छा, पहले निकलती है उसके बाद डालते हैं। अच्छा, तो यार गर्मी के टाइम में आप लोग भी चाहो तो नाइट्रोजन डलवा सकते हो, वैसे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा टायर हेल्दी रहता है इससे, है ना, और एवरेज में फ़र्क पड़ता है। और जो छोटे मोटे बम्प्स आते हैं ना उस पर गाड़ी उतनी वो नहीं होती अपनी, क्या बोलते हैं उसको, इम्पैक्ट नहीं आता। शॉकअप्स भी सेफ ही रहते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। तो अपनी गाड़ी की पूरी हवा निकल रही है, उसके बाद उसमें डलेगी नाइट्रोजन। तो अभी अगले टायर में डाल रहे हैं। अगले टायर में कितना डालेंगे भैया? 30। अगले में अपन 30 डलवाएंगे, पीछे 35 के आसपास डलवाएंगे, ज़्यादा नहीं डलवाएंगे क्योंकि अपन सिंगल राइडर ही चलते हैं। क्या ये है कनेक्शन कैमरे का? अच्छा, हाँ, गाड़ी दिखती है, सब दिखता है इसमें। नहीं, जो इसमें सामने दिखेगा वही दिखता है। अच्छा, हाँ, सीसीटीवी कैमरा थोड़ी ना, जहाँ गाड़ी खड़ी रहेगी वही दिखेगा। नहीं, क्या ये मेरे चैनल का नाम है, जहाँ वीडियो डालता हूँ ना, ये वीडियो बनाता हूँ वो उस चैनल पे डालता हूँ, यूट्यूब पे। यूट्यूब चलाते हो? हाँ, तो इस पर ये डाल सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगी, मेरी गाड़ी आ जाएगी और मेरी वीडियोज़ आ जाएंगी। हाँ, और जब ये वीडियो एडिट कर लूँगा तो आप भी आ जाओगे। तो यार अपन ने आज अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन भरा ली है, देखा आप लोगों को, लोगों से भी रिव्यू मिल सकते हैं। और गाड़ी थोड़ी सी सही में हल्की फील हो रही है क्या मुझे? और गाइस सीरियसली गाड़ी मुझे थोड़ी लाइट फील हो रही है चलाने में और कंट्रोलिंग में भी, ऐसा लग रहा है मुझे। डंपर यहाँ पर गिर गया है और अपन को यहीं से अंदर जाना है। वैसे यहाँ पर रोड तो प्लेन ही कर दिया इनने, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं सोच रहा था यहाँ पर बहुत ही ख़राब रास्ता करते थे, कुछ भी थोड़ा निकल जाओ यार। दादी तुम कहाँ टेंशन ले रही हो, तुम्हें किस बात की दिक्कत है? ओ माय गॉड, 10-15 दिन में आया नहीं, हाँ तो पूरी चुनाई हो गई यार।
गाड़ी से गए तो बताओ। तो गाइज़ मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन पर। ये खड़ी है मेरी बाइक, ये मेरा हेलमेट यहीं टांग दिया, गोप्रो वगैरह टंगा हुआ है, और ये काम करता हूँ मैं, यानी कि आई एम साइट सुपरवाइज़र। ये मेरे हाथ में ड्राइंग है अभी प्लिंथ की, ये बॉटम वगैरह टांग रहे हैं, बीम बधेगी इस पर, तो ये अपना काम होता है। इसमें भी एक ड्राइंग में गड़बड़ है इंजीनियर साहब ने, वो क्या किया बताता हूँ मैं आपको। ये देखो ये बीम आ गई है, लेकिन ये कहाँ पे रुकेगी, कैसा कितना डिस्टेंस है, इसका कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे। और जैसे ये यहाँ पर भी बीम है, बटन ने यहीं तक का मेंशन दिया है, स्टेयर तक का ही मेंशन दिया है कि 3 मीटर है, इसके यहाँ तक का नहीं है। तो अभी मैं उनको कॉल किया है, उन्होंने बोला मैं ऑफिस पहुँच के बताता हूँ आपको, तो कॉल करके मुझे फिर बताएंगे कि एक्चुअल में क्या डिस्टेंस है वहाँ का। मेरे पास PDF होता तो मैं खुद ही कर लेता, बट अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे तो मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि टाइम जाता है बहुत। तो यहीं पे आया था, अब बस अपना काम हो गया है, अपनी गाड़ी वो खड़ी है, बस अपन यहाँ से निकलेंगे अब। क्यों आपको और कुछ तो नहीं पूछना है ना, हो गया? कुछ हो दिक्कत तो फ़ोन लगा लेना फिर, ठीक है? ये रख दो मीटर में नापना है। चलते हैं अपन फटाक से, अपना हेलमेट लगाते हैं फिर निकलते हैं वापस, और अपनी गाड़ी वॉश करवाते हैं, अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है यार। ठीक है गाइस, अपना काम यहाँ पर हो गया है साइट पे, तो आई एम अ साइट सुपरवाइज़र फ़िलहाल के लिए, और मेरे एग्ज़ाम चलने के बाद आई एम बिकम इंजीनियर। तो अभी अपन कॉलोनी से निकल रहे हैं, अंडर डेवलप्ड कॉलोनी है, रास्ते भी अभी प्रॉपर बने नहीं हैं, बट घर बनना शुरू हो गए। ओहो, तो अपन आ गए हैं अभी अपने फ्यूल पंप। यहाँ अपनी गाड़ी में डीजल फिल होने वाला है, तो जब तक मेरी गाड़ी में डीजल फिल हो ना जाए, जब तक मैं गाड़ी में वॉश ही करवा लूँ अपनी गाड़ी को। तो फिलहाल इसको खड़ी कर देते हैं यहाँ। तो अपनी गाड़ी का नंबर लग गया है धुलने के लिए, ये लगा दी भैया ने गाड़ी। थोड़ा ये अपनी गाड़ी हो गई पूरी तरीके से नई नवेली, फुल ब्रांड न्यू, वॉश होके तैयार, धुलने के बाद गाड़ी एकदम मेरी नई हो जाती है, कोई बोल नहीं सकता फिर नई नई। हे गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।